हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कुकिंग चैनल पैन टू प्लेट में। आज वैसे तो मैं बहुत ही आसान सी स्नैक रेसिपी लेकर आई हूँ, लेकिन काफी बार ये होता है कि बेसन का घोल सही कंसिस्टेंसी में नहीं होने पर आलू की भजिया क्रिस्पी और ना फूली बनती है। कभी आलू की भजिया चपटी होती है तो कभी मोटी परत वाली बनती है, लेकिन उसमें कुरकुराहट नहीं होती है, उसमें क्रिस्पीनेस नहीं होता है। तो हम यहाँ बताएंगे कि बिना सोडे का इस्तेमाल करके हम कैसे पतली परत और कुरकुरी आलू भजिया बना सकते हैं। मैं यहाँ पे दो लोगों के हिसाब से घोल तैयार करूंगी, तो चलिए सीखते हैं सही और सटीक तरीका। हम यहाँ पे बाउल में 100 ग्राम बेसन डालेंगे, साथ ही साथ इसमें 1/4 कप पानी डालेंगे। ये सादा पानी है। हम यहाँ बेसन को मिलाएंगे बहुत ही अच्छे से और पूरी तरीके से जो गुठलियाँ हैं उसे हटा देंगे और हम ये घोल तैयार करेंगे। हमने इस तरह से गुठलियों को उंगलियों की सहायता से मसल लिया है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे बेसन का घोल बहुत ज्यादा क्रीमी सा हो चुका है। अब इसमें हम टेस्ट के हिसाब से कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे, 1/2 टीस्पून कच्चा अजवाइन। हमें इस तरह से इसे मसलना है ताकि इसका जो फ्लेवर है निखर के आ जाए। थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून तेल डालेंगे। अब सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे और बहुत ही अच्छे से हमें इसे फेंटना है। तो हमने बहुत अच्छे से मिला लिया है इसे। अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि नमक की मात्रा कम ही होनी चाहिए, बस इतना होना चाहिए कि एक नमकीन सा फ्लेवर आना चाहिए। तो अब नमक को हम अच्छे से मिला लेंगे यहाँ पे। मैं यहाँ पे बिना सोडा के ही बेसन की भजियाँ, वो भी कुरकुरी और साथ ही साथ फूली हुई बनाऊंगी, तो हम यहाँ पे सोडा नहीं डालेंगे। सोडा डालने से ये हो जाता है कि नो डाउट भजिया बहुत ज्यादा फूल जाती है, फिर चाहे वो गुलगुले ही क्यों ना हो, बहुत ही अच्छे से फूल जाते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा तेल एब्जॉर्ब करता है यानी कि सोखता है। तो हमने यहाँ पे अच्छे से फैट लिया है नमक डालकर। जैसे कि आप देख सकती हो बेसन की जो कंसिस्टेंसी है पतली नहीं है, गाढ़ी सी है, तो हमें गाढ़ा घोल तैयार नहीं करना है यहाँ पे, नहीं तो इसकी जो भजिया की जो परत होगी वो मोटी सी होगी, क्रिस्पी नहीं होगी। तो अब इसमें हम 1/4 कप पानी डाल देंगे और हमें यहाँ पे बहुत ही अच्छे से इसे फेंट लेना है। तो 100 ग्राम बेसन में हमने 1/2 कप पानी का इस्तेमाल किया है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो कंसिस्टेंसी है एकदम परफेक्ट है। जब आप बैटर को इस तरह से घुमाओगे तो एक गोल रिंग यानी कि रिबन की तरह नहीं बन रही है ये, तो इसका मतलब ये है कि बैटर एकदम परफेक्ट है, गाढ़ा नहीं है। हमने यहाँ पे आलू को स्लाइस कर लिया है, इसे हमने पानी में रखा है। अब हम एक स्लाइस को बेसन में डाल देंगे और इस तरह से अच्छे से हमें लपेट लेना है। अब हम इसे तेल में डाल देंगे। तेल यहाँ पे हमने तेज आंच पे गरम कर लिया है। अब इसे हम मध्यम और तेज के बीच में रख लेंगे और जल्दी जल्दी हम भजिया डालते जाएंगे इसमें। अब करछुले की सहायता से हम इस तरह से तेल को करेंगे ताकि भजिया की जो ऊपरी परत है वो भी तले और हल्का सा फूलना शुरू हो जाए। हमने यहाँ पे दोनों तरफ से आलू की भजिया को तल के तैयार कर लिया है, जैसे कि आप देख सकते हो। आप चाहो तो यहाँ पे हल्का सुनहरी होने तक या लाइट ब्राउन होने तक तल सकते हो। तो इसे अब हम प्लेट पर निकाल लेंगे। आलू की भजिया यहाँ पे बहुत ही ज्यादा गर्म है, मैं हैंडल नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे आपको तोड़कर सुनाना चाहूंगी कि भजिया कुरकुरी बनी है कि नहीं। तो आपने सुना ये काफी कुरकुरी सी है और ये बहुत ही ज्यादा गर्म भी है। भजिया जो हमने बनाई है यहाँ पे सभी की सभी फूल गई है बहुत ही अच्छे से, और अंदर का जो आलू है वो भी बहुत ही अच्छे से पक चुका है, ऐसा नहीं है कि ये कच्चा सा है। और जितनी भी भजिया हमने बनाई है बहुत ज्यादा अच्छे से फूल चुकी है और बहुत ही ज्यादा कुरकुरी सी है। तो इसे अब हम टेस्ट कर लेते हैं। तो जैसे कि आपने सुना है कि बहुत ही ज्यादा क्रंची सी है, कुरकुरी सी है और टेस्ट इसका बहुत ही ज्यादा मजेदार है, बहुत ज्यादा नमकीन नहीं है, ये एकदम परफेक्ट है। आज का वीडियो आपको बहुत ज्यादा फायदेमंद लगा होगा और बिना सोडा के किस तरह से बहुत ही आसान रेशियो से किस तरह से बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी और फूली हुई भजिया बना सकते हैं हम। आप जरूर घर पे ट्राई कीजिएगा और आपका मूल्य फीडबैक दीजिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।